स्मार्ट वॉच प्रो ठीक है। इसमें काफी अच्छे फीचर्स हैं और कम रेट में गाइस रीजनेबल रेट पे आपको 9,000 की जो वॉच में फीचर्स मिलते हैं वो फीचर्स भी मिलते हैं। ठीक है, आज हम उसी करेंगे अनबॉक्सिंग। पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट जो आया है फ्लिपकार्ट से। रेडी 1 2 3 ये देखिए, ये है वो प्रोडक्ट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे क्या लगी गाइस, वॉच है यहाँ तक लेकिन बक्सा नहीं कितना हुआ। अब यार इतने बड़े बक्से कागज को वेस्ट करते गाइस दूसरी वॉच में लगा देते। चलो जो भी इनकी डिग्री में जैसे ही देते हैं, लेकिन सिक्योर होना चाहिए मेरी बस पर्पज ही होता है। ठीक है, चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है विजो वॉच प्रो। ये इसका है बिल, इसके अंदर भी बिल मिलेगा हमें, वो भी हम देखेंगे। चलिए पहले इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। वो है हमारा सॉन्ग, अनबॉक्सिंग सॉन्ग। टुडू 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 टुडू। सबसे पहले हमें मिला बिल। ओह माय गॉड, इतना एक्साइटेड था कि बिल ही फट गया है। कोई बात नहीं। चलिए आगे हम निकलते हैं, इसको भागते हैं। वाओ गाइस, मिल चुकी है हमें वो चीज, और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ विजो वॉच। ये वो वॉच है गाइस, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ, पैकिंग तो मैं छोड़िए, मैंने इसका ना पूरा व्यू किया है, तो इसमें जो जो फीचर्स हैं ना, वो आपको 9 या 10 हज़ार वाली वॉच में फीचर्स मिलेंगे। लेकिन ये विजो वॉच है रियलमी की ही सब ब्रांडिंग है, रियलमी की ब्रांडिंग, दूसरी जो रियलमी से अटैच ब्रांडिंग है उसने ये वॉच बनाई है। ठीक है गाइस, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, मैं दिखा देता हूँ विजो वॉच रियलमी क्या टेक लाइफ टच लाइफ। ठीक है, चलिए आपको पूरा व्यू कराता हूँ, इसको हम खोलेंगे। ठीक है, और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, जितना हो उसके उतना व्यू कराऊंगा। लेकिन पैकिंग बहुत अच्छी नहीं आई मुझे, बाकी जो होगा ब्लैक कलर मैंने मंगवाई है। ठीक है गाइस, और दूसरी चीज़ प्लस पॉइंट क्या है, अभी इसकी स्कीम चल रही है तो ये 6,000 की वॉच होती है। अभी फ्लिपकार्ट वालों ने 37% डिस्काउंट देके इसको, तो इस 37% डिस्काउंट देके 3700 रुपये मुझे ये परचेज मिली है। तो अभी जिसने लेनी है तो लिमिट पीरियड में ले लीजिए गाइस, क्योंकि ये महंगी हो जाएगी। और इसका एक नया वर्जन आ रहा है डी जो वॉच आर, उसका भी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा 11 दिन में, तो फ्लिपकार्ट में सेल चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और पूरा भी ओपन करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है वो वॉच और इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। सबसे पहले मैं आपको थोड़े बहुत इसके फीचर्स पढ़ा देता हूँ। ठीक है गाइस, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये देखिए, पहले इसकी है डीजो वॉच प्रो। एक मिनट गाइस, ये है डीजो वॉच प्रो मोर। ठीक है, और ये जो इसका MRP प्राइस है 5999 है। ठीक है गाइस, ये देखिए, जैसे कि आप देखते हो 5999। ठीक है, और 390 mAh की इसकी बैटरी है। बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वर्बली चीज़ है गाइस, इसको मैं कुछ इग्नोर करता हूँ। ठीक है ना, बाकी ये चीज़ देखिए, बस ये मैटर करती है आपकी 4.4 सेंटीमीटर 175 इंच की हाई रेजोल्यूशन की फुल टच डिस्प्ले स्क्रीन है, जिसमें ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट रेट मॉनिटर इसमें सेंसर है। ठीक है गाइस, GPS ड्यूल GPS है गाइस, जैसे आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप फोन को ले जाने की जरूरत नहीं है, साथ में ये ऑटोमेटिक आपको पूरा व्यू कर देगा कि कहां से आप कहां तक, कितने किलोमीटर, कितने स्टेप हमने चले हैं। ठीक है, और 90 स्पोर्ट्स मोड है और 14 डेज की बैटरी लाइफ है, जो नॉर्मल यूज़ पे होती है, और हार्डली यूज़ आप सारे सेंसर यूज़ करोगे तो 7 या 8 डेज की आपकी दे देगा ये। ठीक है, बैटरी बैकअप लाइव वॉच वैसी, जो लाइव वॉलपेपर सबसे प्लस पॉइंट का लाइव वॉलपेपर इस वॉच के अंदर आया है। ठीक है गाइस, तो वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इस प्राइस रेट पे। हालांकि एप्पल और उसमें सैमसंग वाला मिल रहा है, लेकिन उनके रेट 15,000-20,000, लेकिन इस प्राइस रेट पर लाइव वॉच रेट मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, ये डीजो की ब्रांडिंग। ठीक है, चलिए गाइस, टुडू, ये हमारा वॉइस सॉन्ग, टुडू 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 टुडू। एक मिनट गाइस, अपोलो दिन फाड़ने में मुझे बहुत, एक मिनट, टुडू, ये हो गया। वाओ, काफी अच्छी लग रही है गाइस। ठीक है, 1 2 3 कम ऑन, निकल जाओ। यस, सबसे बड़ी भाई मेन चीज दिखाना चाहता हूँ, रियलमी टच लाइफ की ब्रांडिंग है, सब ब्रांडिंग है डीजो रियलमी का। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे मेन चीज बता रहा हूँ कि ये लोकल चीज नहीं है, रियलमी की ही चीज है, लेकिन कम रेट में ये डीजो जो कंपनी है, कम रेट में आपको सारी फैसिलिटी देती है, एक्यूरेट प्लस पॉइंट एक्यूरेट चीज मिलेगी आपको सारी चीज जो सेंसर होती है। ठीक है, चलो अब इसको ओपन करते हैं। 1 2 3 वाह यार, क्या लुक है, और सबसे प्लस पॉइंट गाइस इसकी जो डिस्प्ले है, काफी बड़ी डिस्प्ले आप देख सकते हो।
ठीक है, इसको एक बार सेंड करते हैं जो इसके साथ आया वो देखते हैं पहले, ठीक है गाइस। तो हम इस बॉक्स को एक बार निकालते हैं कि हम निकाला बॉक्स, ये जो है यहाँ पे शायद है डिजो वालों के लव लेटर जो काफ़ी बड़े होते हैं इनके, इसको हम लव लेटर कहते हैं जो कोई भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, सबको थोड़ा चलाना होता है, इसको हम सेट करते हैं। तो और यहाँ पर हमारा है चार्जर, चार्जर देखना गाइस कैसा है, मे बी अच्छा ही होगा क्योंकि इतनी अच्छी वॉच है तो अच्छा ही चार्जर निकलेगा। सो गाइस जो चार्जर है काफ़ी अच्छा गाइस, लाइट वेट चार्जर है, मैग्नेटिक चार्जर है गाइस, सबसे प्लस पॉइंट मैग्नेटिक चार्जर है जिसपे डिजो की ब्रांडिंग है, देख जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आप इसको भी, और USB से कनेक्ट हो जाएगा किसी भी चार्जर में, ठीक है। आप इसको हम साइड में रखते हैं, सबसे पहले हम अपनी वॉच को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको उतारते हैं रैपर, 1 2 3 यार ये वैसे ना अनबॉक्सिंग में ना ये सब थोड़ा पंगा उतरता नहीं यार, हम नहीं लेते हैं तो हल्का फुल्का लगेगा बहुत अच्छे। सो गाइस काफ़ी अच्छे स्ट्रिप्स हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, सिलिकॉन के हैं, ठीक है, लाइट वेट है काफ़ी क्योंकि पॉलीकार्बोनेट की इसकी बॉडी है, स्टील में नहीं, स्टील में थोड़ी हैवी हो जाती है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है गाइस। देखिए पीछे सेंसर हैं, हार्ट रेट सेंसर, आपका SPO2 सेंसर काफ़ी अच्छी हो रही है, इसकी चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। पहले हम चार्जिंग कनेक्ट करके देखते हैं गाइस एक बार, 1 2 मैग्नेटिक चार्जर है ये, देखिए ये चार्जर इसके कनेक्ट हो गया है, देखिए ठीक है गाइस, ये मैग्नेटिक चार्जर है इसलिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, इसलिए हमें ये टेंशन लेते कि रिमूव हो जाएगा चार्जिंग से। चलिए अब इसको हम ऑन करते हैं और फ़ोन के साथ अटैच करते हैं और बढ़िया आपको पूरा व्यू कराता हूँ इसमें, ठीक है गाइस, रेडी 1 2 3 स्टार्ट, ऑन हो जाओ, वाइब्रेट हुआ गाइस, वाइब्रेट हुई है वॉच, ठीक है, या तो मे बी देखिए गाइस डिजो की ब्रांडिंग आ गई है, अब हम इंग्लिश पे ही कनेक्ट करेंगे। काफ़ी यार एम्ब्रॉयड डिस्प्ले नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी है गाइस, लाइट वेट क्या बताऊँ मैं आपको, मैं मुझे यूँ कह रहा हूँ गाइस, ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं वीडियो में, हम रियलमी लिंक डाउनलोड करेंगे गाइस, देखिए डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको अब दिखाता हूँ ये डाउनलोड होने का वॉच कैसे कनेक्ट होती है। सो गाइस सबसे पहले हमें इसको लॉगिन करना है, वो मैंने कर लिया है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमें इसमें वॉच को सेलेक्ट करना है, हमारी डीजो वॉच प्रो है तो हम इसे वॉचेस के नाम आ जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो रियलमी ब्रांडेड के हो गए, ठीक है, ये आगे बैंड के, और हम वॉच पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये वॉच पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वॉच आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था रियलमी की ब्रांडिंग है, तो देखो रियलमी की भी वॉच आ रही है, रियलमी वॉच 2, और ये सब ब्रांड है रियलमी का, तो डीजो वॉच 2 का भी इसमें ही हम अटैच करेंगे, ठीक है। हम जो हमारी डीजो वॉच 2 है, डीजो वॉच प्रो है, तो हम प्रो पे ही क्लिक करेंगे, देखिए अब ये स्कैन कोड मांगेगा, ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्लिक करते हैं इसको लोडिंग, अब ये एक बार प्रोसेस में थोड़ा टाइम ले रहा है गाइस। सो गाइस ये प्रोसेस में टाइम ले रहा है, देखो आप जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया तो इसने आसपास से ऑटोमेटिक ही ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया इसका, तो इसने ओके का सिग्नल मान लिया है। अब यहाँ से हम स्कैन कर देंगे इसको एक, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अब जैसे इसमें वर्क है, एप्स, हेल्थ रिमाइंडर, मोर, काफ़ी चीज़ें हैं गाइस, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये डिवाइस है ना काफ़ी कंफर्टेबल गाइस और लाइट वेट है। चलिए ये तो होगी, इसी में जैसे फेसिस गैलरी, जैसे कई तरह के फेसिस है जो हम इस वॉच पर लगा सकते हैं, मैं जैसे दिखाता हूँ अब जो करंट, अब ये लाइव फेसिस है देखिए वाटर। सो गाइस काफ़ी बढ़िया चीज़ है, तो अभी फेसिस में 100 फेसिस आते हैं, कोई सा भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके, जैसे कि अब ये कैट वाला, ये देखिए कैट वाला गाइस काफ़ी प्रीमियम चीज़ है। और बाकी अब मैं थोड़ा आपको वॉच के बारे में बताता हूँ, ठीक है गाइस, बने रहिए वीडियो के साथ। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो डीजो की जो वॉच है इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसमें है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि 1.7 इंच की हाई रेजोल्यूशन की फुल टच स्क्रीन है, जो 16 निट्स पे ब्राइटनेस है, जो काफ़ी बढ़िया गाइस, आपको धूप के अंदर भी पूरी अच्छी क्लियरिटी दिखेगी इसमें, ठीक है। और बाकी ड्यूल GPS है, जैसे हम स्टेप वगैरह हम कहीं रनिंग करते हैं कुछ भी, तो स्टेप वाइज आपको पूरा बता देगा कि कितने स्टेप आपने किया और कितना आप कहाँ कौन सी जगह से, पूरा GPS में आपको दिखा देगा, ठीक है। और 14 डेज़ की बैटरी लाइफ है गाइस, जो नॉर्मल यूज़ है उस पर 14 डेज ही निकाल देती है, अगर हम हैवी यूज़ करते हैं जैसे आप सेंसर वगैरह सब कुछ हम 24 आवर्स चलाते हैं इसके सारे सेंसर, तो 7 या 8 डेज़ का इसका बैटरी बैकअप जो काफ़ी अच्छा है गाइस, ठीक है। तो इसके 90 स्पोर्ट्स मोड है, जितने कई वॉचेस में 15 होते हैं 60, इसमें 90 स्पोर्ट्स मोड है जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है गाइस, हर तरह की एक्टिविटीज़ का इसमें एक्टिविटीज़ है, और SPO2 और हार्ट रेट सेंसर है इसमें गाइस, और हैंडेड वॉच है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस वॉच को। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है गाइस, इसमें आपको लाइव वॉलपेपर भी लग सकते हैं और आप अपनी कस्टमाइज्ड फोटो भी लगा सकते हो, ठीक है। और क्या है, और रियलमी की सब ब्रांडिंग है, और IPS68 वाटर रेजिस्टेंस है, जैसे हम बारिश में या शावर्स और कुछ भी थोड़ा बहुत गीला होता है उसे रेजिस्टेंस रहता है, उससे फर्क बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा व्यू कराता हूँ, जैसे हम इसको ऑन ऑफ बटन, जैसे हम नीचे से स्वाइप करते हैं गाइस, देखिए एक्टिविटी, हार्ट रेट एंड SPO2, स्लीव वर्कआउट, 19 वर्कआउट है गाइस, 19, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ वर्कआउट इसमें, ये देखिए आउटडोर वर्क, स्ट्रेंथ, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, काफ़ी है, जंपिंग, रोवर, काफ़ी वर्कआउट है गाइस। बैक जाने के लिए हम फिर ये बटन दबाएंगे, और अलार्म, वेदर, सबसे प्लस पॉइंट है वेदर भी है गाइस, मैं कह रहा हूँ पूरे, और म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं आप इसे,
ठीक है, फाइंड माई डिवाइस, जिसे वह क्या नाम है, जिससे आपका फ़ोन कहीं हो वहीं रिंगटोन उसकी बजने लग जाएगी। ठीक है गाइज, और जैसे ये ऐसा नीचे स्क्रॉल ऊपर से स्क्रॉल करते हैं तो नोटिफिकेशन, जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन कॉल या मैसेज वगैरह आएंगे, साइड से स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे टॉर्च हो गया, ब्राइटनेस होगी, जैसे 60 निट्स तक की ब्राइटनेस है गाइज, काफ़ी ब्राइटनेस है। आपको सूरज के, जैसे दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पर भी जो ब्राइटनेस होती है कम होती है तो हमारी स्क्रीन दिखती नहीं है, तो ये उसमें प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको ऐसा कोई इशू नहीं लगेगा। ठीक है गाइज, और जो हमारा इस साइड से राइट व्यू करते हैं हम, तो इसमें आपको स्टेप्स वगैरह, कैलोरीज और सब कैलकुलेट करता है गाइज। कहने की बात है गाइज, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ है और कम रेट में मिली है गाइज। मैं कह रहा हूँ आपको अगर कम बजट में अच्छी वॉची हो, जो आपको 9,000 या 10,000 वाली घड़ी में फीचर्स होते हैं, वो सब फीचर इसमें आपको मिलेंगे। चलिए गाइज, तो गाइज जैसे कि मैंने अभी आपको इसका पूरा व्यू कराया है कि क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या क्या है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम इसको पहनते हैं ना एक अलग ही फीलिंग आती है गाइज। ये देखिए बिल्कुल लाइट वेट है, स्टील की बॉडी होती ना तो थोड़ी सी हैवी लगती, लेकिन लाइट वेट है। और आप लोग जो आपके हैंड है, किसी के काफ़ी पतले हैंड होते हैं उसमें भी क्योंकि इसमें काफ़ी देखिए होल है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आप पतले हैंडों पर भी कंफर्टेबल फील होएगा आपको। ये देखिए गाइस, मैं कह रहा हूँ ये मैंने घड़ी पहन, सो वॉच पहनी है, एक मिनट टू डू। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। अब मैं एक ऐसी फोटो खींचा, तो सबसे प्लस पॉइंट क्या है गाइस इसका वॉच का, कि इसमें आप अपने खुद की ही फोटोएं भी लगा सकते हैं। आप इसमें कॉस्मेटाइज वॉलपेपर का भी ऑप्शन है, जिसमें आप अपने वो जो खुद की फ़ोटो वो भी लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको अभी जो मेरा बैनर होगा यूट्यूब का, उसमें आप देखोगे वो चीज़। ठीक है, बाकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो चाहिए, जिसमें आपके कॉल, जैसे कॉल कोई कॉल आ रही है तो आप सीधा इससे डिसकनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छा फीचर है इसके अंदर। और GPS का फीचर है, आप इसको लेके जैसे ट्रैकिंग करते हो या रनिंग करते हो या आप कहीं घूमने जाते हो, तो पूरा ड्यूल आपको फ़ोन साथ में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप फ़ोन के पास आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे इसके ऐप को, तो आपको सारी ट्रैकिंग वहीं दिखा देगी, आप कितने स्टेप चले हो, कितना कहाँ तक गए हो। ये प्लस पॉइंट है गाइस, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, इसका हार्ट रेट सेंसर काफ़ी एक्यूरेट हार्ट रेट सेंसर है, मैंने मशीन से और इसके साथ भी अटैच करके देखूंगा, क्योंकि जो मेरे को जहाँ तक इसकी एक्यूरेसी का पता चला, इसके मैंने व्यूज़ देखे थोड़े बहुत, तो वहाँ पे यूँ कह रहे हैं 5 में से 4.2 तक एक्यूरेसी रहती है इसकी। ठीक है गाइस, बाकी जो इसका व्यू होगा मैं एक मंथ वाले इसका पूरा व्यू बताऊँगा कि आपको कितनी एक्यूरेसी है, कितना क्या बेनिफिट है इसका। ठीक है, बाकी वॉच मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये वॉच गाइस कम रेट में बजट में आपको 9,000 या 10,000 वाले फीचर्स दे दिए। ठीक है गाइस, चलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सबसे पहली बात गाइस, बहुत मायने लगती है वीडियो में, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे के जितनी भी मेरी वीडियो में कमी है आप मेरे को बताना, मैं उस पर अमल करके गलती को सुधारूंगा। ठीक है गाइस, और बाकी आपको पता ही है, खुद भी खुश रहना, अपने परिवार को खुश रहना। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज रोहित ब्लॉग्स।